नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। लोकसभा चुनाव की धुरी पर सियासत का पहिया पूरी स्पीड से घूम रहा है, तो यूपी में समाजवादी पार्टी तूफानी रफ्तार से सभी 80 सीटों पर मोर्चाबंदी करने में जुटी है। अखिलेश यादव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए हिंदुत्व की हार्ड लाइन का संदेश दे रहे हैं, तो अब डिंपल यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया। और वहीं 23 जून को विपक्ष की बैठक से पहले जयंत चौधरी ने कांग्रेस से करीबी के संकेत देकर सपा की वहीं संवाद के भोजन मार्ग के जरिए 2024 की बिसात पर भाजपा ने 2014 वाली हुंकार भर दी। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ क्योंकि अब होगा विश्लेषण। दिल्ली विजय के मोर्चे पर सपा का लक्ष्य बड़ा है, तैयारी बड़ी है। सपा की दावेदारी यूपी की सभी 80 सीटों पर है। अब ऐसे में अखिलेश यादव लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठक करके रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। तो वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है और डिंपल यादव ने जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला। अखिलेश के लिए डिंपल ने संभाला मोर्चा। सत्ता के जाति मार्ग पर साइकिल की फुल स्पीड। 2024 के चुनावी मोर्चे पर सपा की रणनीति क्या होगी? नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन और धर्म नगरी की धरती से अखिलेश यादव की हिंदुत्व हुंकार से काफी हद तक साफ हो चुका है। वो कह रहे हैं कि आप भी लगता 100 हिंदू के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए आप सॉफ्ट हो गए तो सॉफ्ट में मारे जाओगे, इसलिए हार्ड हो जाओगे तो मुकाबला करने जाओगे। अब 24 की बिसात पर सपा के अभियान को धार देने के लिए डिंपल यादव ने भी हुंकार भर दी है। डिंपल यादव ने यूपी में क्राइम और बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। अगर आप एनसीबी के आंकड़े निकाल लेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों पे उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो यह सब चीजें जो नेगेटिव चीजें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और रोजगार घटे हैं। जहाँ बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए वो घटा है। डिंपल यादव यही नहीं रुकी, अखिलेश यादव को भाजपा सांसद हरनाथ यादव के वाराणसी चैलेंज पर डिंपल यादव ने तीखा हमला बोला। दरअसल हरनाथ यादव ने ट्वीट कर अखिलेश यादव को चैलेंज किया था। हरनाथ यादव ने ट्वीट में लिखा, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 80 सीट पर जीत के दावे तो छोड़ ही दीजिए, आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए, सिर्फ एक सीट वाराणसी। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। जिस पर डिंपल यादव ने हरनाथ यादव के सियासी वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। मैं समझती हूँ कि जिस जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका खुद का क्या अस्तित्व है पहले वह देख लें। समाजवादी पार्टी ने लगातार लोगों के बीच में जाके काम किया है और जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहा है उसे पूरा करने का 90% हम लोगों ने काम किया है। और मौजूदा सरकार अगर आप देख लेंगे और जो जिनकी आप ये बात कर रहे हैं अगर आप इनका भी देख लेंगे तो जो इन्होंने बातें कही हैं, जो इनकी पार्टी ने बातें कही हैं, वो धरातल में उतारने का काम आज तक नहीं कर पाए ये लोग। मतलब 2024 की चुनावी आहट के साथ ही डिंपल यादव ने भी मैदान में कदम रख दिए हैं। इस बीच सपा ने नैमिषारण्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद आगे की योजना पर मंथन और चिंतन तेज कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान 23 जून को पटना में होने वाली बैठक पर भी चर्चा हुई। लखीमपुर और नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के बाद अखिलेश यादव ने आज
पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संडे का दिन होने के बावजूद अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय आए, वहां पर तमाम पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया कि विपक्ष की 23 जून को होने वाली बैठक में क्या मसौदा रखा जाएगा, किस तरह से महागठबंधन में समाजवादी पार्टी को प्रमुख रूप से आगे किया जाएगा, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। इसके अलावा अगले प्रशिक्षण शिविर के बारे में भी चर्चा हुई। ये तय हुआ कि अगला प्रशिक्षण शिविर 23 जून को प्रस्तावित विपक्षी दलों की बैठक के ठीक अगले दिन यानी 24 जून को रखा जाएगा और इस बार ये प्रशिक्षण शिविर हरदोई में आयोजित किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सपा की योजना आने वाले वक्त में पश्चिमी यूपी के साथ ही पूर्वांचल के जिलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर सभी 80 सीट पर दावेदारी ठोकने की है, जिसके संकेत अखिलेश यादव नैमिषारण्य से दे चुके हैं। नौजवानों से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल, और नौजवानों से रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। किसानों से वादा किया था उनकी आय को दुगनी करने का, और किसानों के खिलाफ काला कानून लेके आने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और आज नौजवान परेशान है, किसान मजदूर परेशान है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के अगर 73 और 75 सीट ला सकती है तो समाजवादी पार्टी सच बोल के 80 की 80 सीट जीतने का काम करेगी। मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन उन्होंने सपने विधानसभा के चुनाव में भी देखे थे। नतीजा क्या हुआ? वो तो 300 सीटें ला रहे थे। नतीजा क्या हुआ? जनता में मोदी जी के प्रति जबरदस्त विश्वास बढ़ा है, और ठीक इसका उल्टा होगा जो श्री अखिलेश जी कह रहे हैं। जाहिर है कि सपा की रणनीति हर एक सीट पर भाजपा को सीधी टक्कर देने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 23 जनवरी को पटना में विपक्षी एकता का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्ष के 15 दल एक साथ सियासी मंच पर होंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। लेकिन इस बैठक से पहले ही जयंत चौधरी की कांग्रेस वाणी ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी। जयंत का ये बयान सपा की टेंशन बढ़ाने वाला है। सपा रालोद के गठजोड़ में कांग्रेस वाला पेंच, 24 के मोर्चे पर जयंत कांग्रेस वाणी। क्या यूपी में सपा और रालोद के गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होगी, या फिर 2024 की सियासी बिसात पर सपा और रालोद अलग अलग रास्ते पर दिखाई देंगे? ये दोनों ही सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि एक बार फिर जयंत चौधरी ने दो टूक शब्दों में जाहिर कर दिया कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की देश में भूमिका है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। पटना में एक बैठक बुलाई गई है, पहले 12 तारीख को होनी थी, मैं भी वहाँ जा रहा था। 23 तारीख को हम देखते हैं उसमें क्या चर्चा निकलती है, लेकिन नेशनल फ्रेमवर्क में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस की बड़ी भूमिका। जयंत चौधरी का ये बयान उस वक्त आया जब 23 जून को पटना में विपक्षी एकता का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा। महागठबंधन की रणनीति पर चर्चा के लिए 15 दलों के नेता बैठक करने जा रहे। इन दलों में सपा और रालोद का भी नाम है। ऐसे में माना यही जा रहा कि जयंत चौधरी को यकीन है कि वो सपा और अखिलेश यादव को गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने के लिए मना लेंगे, या फिर कोई ना कोई रास्ता पटना की बैठक में जरूर निकल आएगा। क्योंकि जयंत चौधरी 24 की राह पर कांग्रेस की अहमियत बताने के साथ ही सपा के साथ गठबंधन में बने रहने का दावा भी कर रहे। अखिलेश जी ने खुद इस बात को सार्वजनिक तौर पे कहा कि इस चुके चुनाव में गठबंधन हमारा नहीं हो पाएगा, तो स्वतः ही ये बात साबित होगी कि सब दोनों पार्टियां फिर अपने अपने प्रयास कर रही हैं। कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की, मैं कहीं प्रचार में गया नहीं, उम्मीदवारों की अपनी मेहनत थी, पार्टी के सिंबल पर लोग लड़े, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पार्टी के चेहरे बनकर वो शहरी क्षेत्रों में, नगरों में निकल के आए हैं, उनके व्यक्तित्व में भी, उनकी छवि में भी विकास हुआ है, और आगे चलकर पार्टियों पर विश्वास भी करें। जहाँ तक गठबंधन की बात है, कायम है। मतलब साफ है, बागपत से बिजनौर तक गांव-गांव मतदाताओं की घेराबंदी करने में जुटे जयंत चौधरी गठबंधन के मोर्चे पर नए समीकरणों की तलाश में है। हालांकि कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर सपा कुछ भी कहने से बच रही है। आदरणीय जयंत चौधरी जी के जहां तक कांग्रेस पर दिए गए बयान का सवाल है, आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में है कि समान विचारधारा वाले दल एक साथ एक मंच पे किस तरह से आ जाए। इसी कड़ी में पटना में विपक्षी दलों की बैठक भी होने वाली है,
और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उसी कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ेगी और कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा ये आने वाला समय तय। दिलचस्प बात यह है कि निकाय चुनाव में सपा के साथ सीटों के खींचतान के बाद से ही रालोद कांग्रेस के करीब जाती दिखी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस को अपने साथ लेने को तैयार नहीं है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी इस बाबत लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि नेशनल फ्रेमवर्क में विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उनका साफ इशारा है कि यूपी में अगर समाजवादी पार्टी को मजबूती चाहिए तो कांग्रेस को साथ में लेना ही पड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव पहले ही इनकार कर चुके हैं, कई मौकों पर उन्होंने कहा कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जो गठबंधन में शामिल पुराने दल हैं उनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव को मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं, उनको समझा पाते हैं कि कांग्रेस का साथ कितना जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि जहां एक और अलग अलग मौके पर जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ खड़े दिखे तो इसके उलट अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आए। फिलहाल सबकी नजर 23 जून को पटना में होने वाली बैठक पर है। माना जा रहा है कि बैठक में रालोद सपा और कांग्रेस के बीच के रिश्ते पर पूर्ण विराम लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। बात 2024 के लिए भाजपा की 2014 वाली योजना की, महासंपर्क अभियान और टिफिन पर चर्चा के जरिए भाजपा माहौल बनाने में जुटी हुई है और इसी बीच विपक्षी खेमे में महागठबंधन की कवायद को देखते हुए भाजपा ने बयानों की दिशा में कांग्रेस की ओर मोड़ दिया है। वाराणसी में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने बार बार 2014 से पहले केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का जिक्र किया। 2014 से पहले देश के हालात और भ्रष्टाचार का जिक्र करके विपक्ष पर सीधा हमला बोला और इससे सियासत में नई हलचल मच गई। चौबीस की बिसात पर 2014 वाला घमासान, कांग्रेस पर सीएम योगी का अविश्वास अटैक। यूं तो केंद्र की सत्ता में पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन जब 2024 के चुनावी चक्रव्यूह की बिसात बिछाई जा रही है तो चर्चा 2014 से पहले केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस की सरकार की है, देश के हालात की है। 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत आज हम सबके सामने है। 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार की स्थितियां थी, परस्पर अविश्वास का अभाव था, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति अविश्वास का सा वातावरण दिखाई देता था। मौका वाराणसी में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का था। इस दौरान सीएम योगी ने जो संदेश दिया उससे साफ है कि भले ही विपक्ष के पास भाजपा को घेरने के लिए मुद्दों की कमी न हो, लेकिन जब विपक्ष के 15 दल महागठबंधन के मंच पर आते दिख रहे हैं तो भाजपा ने 2014 से पहले देश के हालात का जिक्र कर नई बहस छेड़ दी है। बड़े बड़े आंदोलन आपने देखे होंगे, भ्रष्टाचार प्रतिदिन एक नया भ्रष्टाचार सामने आता था, विकास के नाम पे बंदर बांट होता था, सुरक्षा आंतरिक हो या बाह्य एक खतरे में पड़ी हुई थी, वैश्विक मंच पर साख नहीं बची थी, लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को हम सबने देखा है। सीएम योगी का संदेश सीधा और साफ है कि कांग्रेस हो या फिर विपक्ष का कोई दूसरा दल, किसी के पास भी देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। दरअसल यूपी में मिशन 80 को हासिल करने के लिए भाजपा अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान कर रही है, खुद को बेहतर और 2014 से पहले की यूपीए सरकार को कमतर बता रही है। इस कड़ी में भाजपा उन योजनाओं को प्रमुखता से गिना रही है जो देश में पहली बार लागू हुई या फिर ऐसी उपलब्धि जो भाजपा सरकार में देश ने हासिल की। पहली बार हो रहा है एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम हर किसान को प्राप्त तो होगा, यह पहली बार हो रहा है। नए उद्योग लग रहे हैं, इस ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में व्यापक सुधार हुआ है, यह नया भारत है। और भाइयों बहनों, ये सब जो प्रयास हुए हैं
और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। जाहिर है भाजपा की कोशिश 2014 में लगातार तीसरी बार सत्ता के रास्ते पर बढ़ने की है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा ने 2014 से पहले यूपीए सरकार में बने हालात को सियासी हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी से पंजाब तक आवाज उठ रही है और इसी बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह ने नई हुंकार भर दी। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में रैली करके न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि शायराना अंदाज में कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों पर हमला बोल दिया और वहीं ब्रिजभूषण शरण पर कार्रवाई की मांग को लेकर अब विपक्ष ने भाजपा की घेराबंदी तेज कर दी। पहलवानों के हल्ला बोल पर ब्रजभूषण की हुंकार, गोंडा की धरती से शायराना वार। कभी अस्त कभी दम, कभी चहर दिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया लेकिन सियासत के सार्वजनिक मंच से ब्रिजभूषण सिंह का इशारा किस ओर है समझना मुश्किल नहीं। इसको रुसवाई कहे या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहे के शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जा रहा है। गोंडा में रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो तेवर दिखाए उससे काफी हद तक साफ है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर यौन शोषण केस में कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि रैली के बाद ब्रिजभूषण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन के सवाल पर कुछ नहीं कहा। आपने एक मैसेज तो दे, अरे भैया हमेरा हमेशा ऐसे ही कार्यक्रम होता है। जन्मदिन पर कौन सी रैली थी, 1.5 लाख लोग, 80 लोकसभा सीटों पर, लेकिन इतनी बड़ी रैली नहीं हुई जो आपने की। हमारा तो हमेशा ऐसे होता है। ब्रिजभूषण सिंह को भले ही रैली पर शक्ति प्रदर्शन की परिभाषा से इनकार है लेकिन जिस अंदाज में रैली की शुरुआत हुई वो किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं। अब रैली से पहले रोड शो की इस तस्वीर को देखिए। रैली के रास्ते पर ब्रिजभूषण सिंह के काफिले में शामिल गाड़ियों का रेला है जो इस बात का संकेत है कि रैली का आयोजन भले ही मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बखान के लिए किया गया था लेकिन संदेश गोंडा और उसके आसपास के इलाकों में ब्रिजभूषण सिंह की पकड़ को दिखाने वाला था। ब्रिजभूषण सिंह की रैली और रोड शो की इन तस्वीरों पर सियासी बहस शुरू हो गई है तो वहीं ब्रिजभूषण सिंह को लेकर विपक्ष ने भाजपा की घेराबंदी तेज कर दी है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला। सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं ऐसे ऐसे उनकी तस्वीरें चल रही, नतमस्तक हैं आज भी ब्रिजभूषण के साथ, क्या उनकी हिम्मत है कि ब्रिजभूषण के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने भी पहलवानों के समर्थन में भाजपा सरकार पर जोरदार प्रहार किया। पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है, मेरी अपनी यह राय है और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वह हो रही है। FIR हुई है और मैं समझती हूँ FIR के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होके और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच पहलवानों के समर्थन में पंचायत और चौपाल का दौर जारी है जिसमें विपक्ष के दल भी शामिल हो रहे। कांग्रेस की अगुवाई में दिल्ली के उस्मानपुर में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग की गई तो वहीं पंजाब के पटियाला में पहलवानों के समर्थन में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी पहुंचे, यानी कि ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई को लेकर पूरब से पश्चिम तक हलचल तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उमेश पाल हत्याकांड के गुनहगार गुड्डू मुस्लिम कहां है और कहां छिपी है आरोपी शाइस्ता परवीन? उमेश पाल हत्याकांड के 3 महीने 17 दिन के बाद भी ये सवाल कायम है और इस बीच खबर है कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन बिहार में मिली है। अब ऐसे में पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाने की तैयारी शुरू कर दी। गुड्डू बमबाज का अब बचना मुश्किल है।
नैनी से बिहार तक पुलिस ने बिछाया जाल। तीन महीने 17 दिन उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुनहगार गुड्डू बमबाज पुलिस की गिरफ्त से दूर है। नेपाल से भूटान तक, मेरठ से मुंबई तक यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम गुड्डू बमबाज की तलाश कर रही, लेकिन पुलिस हर बार खाली हाथ लौट रही। अब एक बार फिर पुलिस को उम्मीद जगी है। सूचना के मुताबिक गुड्डू बमबाज की लोकेशन बिहार में मिली है। इस सूचना पर पुलिस ने नए सिरे से जाल बिछाने की तैयारी शुरू कर दी। 5 लाख रुपए का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम पिछले तकरीबन 100 दिनों से जांच एजेंसियों को लगातार चकमा दे रहा है। जांच एजेंसियां उसकी तलाश में देश के कई राज्यों के साथ ही नेपाल तक में खाक छान चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है। इस बीच जांच एजेंसियों को पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम बिहार में कहीं छिपा हुआ है। उसकी आखिरी लोकेशन भी बिहार में ही पाई गई है। सूत्रों के मुताबिक UPSTF की 2 टीमें बिहार में गुड्डू मुस्लिम को तलाश कर रही हैं। अफसरों का दावा है कि इस बार जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, जल्द ही गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक असद गुलाम अरबाज विजय चौधरी और उस्मान एनकाउंटर की जांच के कारण पुलिस थोड़ी ढीली हुई थी। अब फिर से गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश तेज कर दी गई है। हत्याकांड में शामिल एक अन्य शूटर अरमान का भी अब तक कुछ पता नहीं चला। उसकी तलाश में जल्द ही पुलिस की टीमों को बिहार भेजा जाएगा। गुड्डू बमबाज के साथ ही एक नाम और है जिसकी पुलिस को तलाश है। ये नाम है माफिया आतिक की पत्नी शाइस्ता परवीन का, जो कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है और वो कहां छिपी है अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका। शाइस्ता के कभी दुबई फरार हो जाने की खबरें आई तो कभी प्रयागराज में कहीं छुपे होने की बात हुई। हालांकि आशंका भी ये जताई जा रही कि शाइस्ता कहीं गुड्डू के साथ ही तो नहीं, क्योंकि दोनों ही अपनी लोकेशन लगातार बदल रहे। एक तरफ 5 लाख रुपए का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ माफिया आतिक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद FIR है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम और आतिक की पत्नी शाइस्ता परवीन दोनों साथ में ही फरारी काट रहे हैं और गिरफ्तारी के डर से लगातार ठिकाने बदल रहे हैं। 5 लाख के 2 इनामी शूटर साबिर और उस्मान भी पुलिस को छकाने में अब तक कामयाब रहे। सूत्रों के मुताबिक साबिर तो फरारी के दौरान 2 बार प्रयागराज भी आ चुका है और पुलिस को भनक लगने से पहले ही भाग भी निकला। उधर अरमान के बारे में ये बात भी सामने आई कि उसने बिहार में किसी पुराने मामले में सरेंडर कर दिया, लेकिन अब बिहार में UPSTF पहुंचेगी तो उसके हाथ कुछ बड़ा सुराग जरूर लगेगा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।